अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शैमा अपने चैनल कुकिंग विद शैमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला। करेले की ऐसी रेसिपी बताऊँगी ना कि जिसको खाकर आपको बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। करेले तो सभी बनाते हैं और सबकी अपनी अपनी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें एक दूसरे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए और खाने को हमेशा डिफरेंट वे से बनाना चाहिए। तो आज मेरी रेसिपी आप देखिए और इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छे करेले बनकर तैयार होते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। इतना टेस्टी करेला बनता है ना कि जो करेला नहीं भी खाता है ना, अगर आप उसे खिलाएंगे ना तो वो भी करेले का फ़ैन हो जाएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने करेले लिए, जिन्हें अच्छी तरह छील कर मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। मैंने इसमें बीज डाल दिए, अगर आपको बीज नहीं पसंद है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम करेले लिए थे और ये इसकी स्पेशलिटी है कि इसे मैं कुकर में बनाऊंगी और बहुत झटपट से बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। यहाँ मैंने कुकर लिया है जिसमें मैंने करेले कटे हुए डाल दिए। अब जितनी हमने करेले लिए थे 500 ग्राम, तो उतना ही हमने प्याज ले लेनी है। और यहाँ पर मैंने एक जो बंच होता है ना लहसुन का, वो ले लिया। लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा, लहसुन को ले लीजिएगा अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो इसे लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने डाल दिया, प्याज भी इसमें ऐड कर दी और हमने जो लहसुन ली थी वो भी इसमें ऐड कर दी। इसके बाद इसमें मैंने नमक डाला है। नमक हिसाब से डालना है क्योंकि ये देखने में क्वांटिटी बहुत लगती है, लेकिन जब बन के तैयार होता है तो थोड़ा हो जाता है। इसमें मैंने आधा चम्मच जितना नमक डाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच जितना मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया। आप भी मस्टर्ड ऑयल में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैंने यहाँ पर डाला है 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का डाला था। इसे डालने के बाद बस हमने मिक्स कर देना और इसमें हमने लगा दी। इसमें हमने सीटी लगा दी थी और इसमें मैंने तेज़ आंच पे ही लगाई थी क्योंकि पानी छोड़ता है ना करेला, तो इसलिए हमने 3 से 4 इसमें सीटी आने के बाद इसको हमने देखा ये अच्छी तरह से सारा जो करेला और प्याज थी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई में। अब कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने का आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा जल्दी हो जाता है और थोड़ा अच्छी तरह से हो जाता है, इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। अगर आप चाहें तो आप कुकर में भी उसे, बस इसका मकसद ये है कि इसे हमें बिल्कुल गोल्डन होने तक इस तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से जब हमारा करेला गोल्डन होकर भुन जाएगा ना, करेले की जो भुनाई होती है ना वही बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस इस तरह से हमारा करेला भुनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप, एक बार मेरी रेसिपी से बनाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में।